अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वो जो गाड़ी जा रही है ना उसका पीछा करो, चल बैठ। और सुन, अच्छी और साफ साफ फोटो लेना। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। चलो भैया। अब इस आंचल को ऐसा बदनाम करूंगी, इतना शर्मिंदा करूंगी कि दोबारा यहां आने के लायक नहीं रहेगी। सिद्धार्थ है या चला गया फैक्ट्री? ना घर पे है ना फैक्ट्री गया है, वो तो कहीं और ही गया है। और कहाँ गया? अम्मू किसी से मिलने। अब उसका नाम अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। मैं समझ गया तुम किसकी बात करना चाहती हो। ललिता तुम इस मामले में चुप रहो ना तो ही अच्छा है। अभी तक चुप रही तभी तो ये नौबत आ गई है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता ना? ठीक है, अरे सबूत मिल जाएगा तब तो मेरी बात पे यकीन करेंगे ना। मतलब तुम किसी भी तरह इस बात को छोड़ोगी नहीं? आप ही हद करते हैं, ये भी भला कोई छोड़ने वाली बात है? अब एक लड़की मेरे बेटे पे शादी करने के लिए डोरे डाल रही है, हमारी जायदाद को हड़पने की कोशिश कर रही है, और आप कहते हैं कि मैं हाथ पे हाथ रखे बैठी रहूं। ललिता, तुम जिस जायदाद की मालकिन बनी बैठी हो वो हमारे उसी बेटे की मेहनत का नतीजा है, समझी? तो आप क्या चाहते हैं, कि मैं अपने बेटे की मेहनत पे किसी और को ऐश करने दूं? सिद्धार्थ जब जया से शादी करना चाहता था तब भी तुम यही कहती थी। जया के माँ बाप के पास हमसे कई गुना ज्यादा दौलत और जायदाद थी और आज भी है। जया अपने माँ बाप के घर के सारे सुख छोड़कर हमारे यहाँ आई थी सिर्फ हमारे सिद्धार्थ के लिए। मैं जया की नहीं आंचल की बात कर रही हूँ। गलत फहमी को दिमाग से निकाल दो ललिता, आंचल वो सोच ही नहीं रही जैसे इल्जाम तुम उस पे लगा रही। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप तो बिना सबूत के मानने वाले हैं नहीं। कोई बात नहीं, मिल जाएगा आपको सबूत। सबूत गया खाई में, न तो मैं किसी सबूत को मानता हूँ न सबूत देने वाले को। मैं तो सिर्फ वही मानता हूँ जो सच है। सच ही दिखाऊंगी आपको, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। कितना? ये लो, बाकी रख लो। चल के सिद्धार्थ भैया के साथ फोटो खींच ली, समझो सब दुख दूर हो गए।
कर रही है? दादी को भैया, भैया यहां देख लो। अब मुझसे ये मत पूछना कि वो यहां क्या कर रहे हैं। अभी जब आंचल उनसे मिलने आएगी ना, तो तुम सब कुछ समझ जाओगे। तो तुम उन दोनों की तस्वीर निकालने के लिए यहाँ कैमरा लेकर छुपी खड़ी? जब कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। अरे मुझ पे ऐसे गुस्सा करने से क्या होगा? आपका ये गुस्सा अभी अपने आप हैरानी में बदल जाएगा जब अभी आंचल को सिद्धार्थ भैया के साथ तो... लो, खुद ही अपनी आंखों से देख लो किससे मिलने आए हैं भैया। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया श्याम बाबू कि अगर आप घर आते तो आपको बहुत दूर हो जाता। मेरा इसी तरफ काम था, मैंने सोचा आपको ऑन द वे पिकअप कर लूँ। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। यहाँ से न्यू एरा गारमेंट्स वालों की फैक्ट्री सिर्फ आधे घंटे में पहुँचा जा सकता है। आइए ना बैठिए। मम्मी ने तो फोन पे कुछ और ही सुना था। क्या तुम माँ के कहने पर आई हो? चलो सिद्धार्थ की फोटो खींची या नहीं? क्या बात है, तू चुप क्यों है? मैं देता हूं आपके सभी सवालों के जवाब। अब तक तो मैं सिर्फ चंचल को कसूरवार मानता था, लेकिन अब इससे कहीं ज्यादा आपको कसूरवार मानता हूं।
ये तो जो है सो है माँ, लेकिन आपने तो दुनिया देखी है ना, जिंदगी का तजुर्बा है ना आपको, और सिद्धार्थ भैया को तो आप बचपन से जानती हैं, फिर भी उनके बारे में इस तरह की उल्टी सीधी बातें सोच रही हैं आप? अरे तो मैंने क्या गलत सोचा है माँ? सिद्धार्थ भैया से मिलने आंचल जी नहीं श्याम बाबू आए थे। दोनों को किसी क्लाइंट के पास जाना था। जब चंचल ने मुझसे कहा कि आपने उसे कैमरा देकर वहां भेजा है, मुझे उस पर यकीन नहीं आया, मुझे लगा वो झूठ कह रही। लेकिन अब शर्म आती है मुझे आप दोनों की करनी पे। क्यों किया आपने ऐसा मां? क्यों किया ऐसा आपने? फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।